नमस्कार सभी को, मैं मत्तु केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग एक के अंतर्गत पाठ क्रमांक 6 है भोजन की विविधता। पाठ क्रमांक 6 है भोजन की विविधता। तो इस पाठ के बारे में मैं आपको इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को मैं संक्षिप्त रूप से आपको इसमें बताने वाला हूं। तो देखिए, भारत का मानचित्र है और मानचित्र के माध्यम से आपको जानकारी हो रही है कि भारत देश में भोजन की विविधता किस प्रकार से होती है। इस चित्र में देखिए, गेहूं, चावल, गेहूं और ज्वार के बारे में जानकारी दी गई है कि चावल के लिए इस तरह का निशान है, गेहूँ के लिए इस तरह और ज्वार के लिए इस तरह का है। तो इस वीडियो के माध्यम से आइए हम इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं कि किस तरह से इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हैं। इस पाठ का स्वाध्याय है, देखिए स्वाध्याय में इस तरह से पहले में संक्षेप में प्रश्नों के उत्तर लिखना है, उसके बाद ये जो प्रश्न है इसमें गोल करना है और यहाँ जो दिया है खाद्यान्न के बारे में इन खाद्य पदार्थों की एक सूची तैयार करना है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न उत्तर को। पाठ 6 भोजन की विविधता, इसमें प्रश्न पहला है, आ है प्रश्न पहला, संक्षेप में उत्तर लिखो। इसमें पहला है, गेहूं से कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। गेहूं से कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है देखिए, गेहूं अर्थात गेहूं के आटे तथा गेहूं के रवे से विविध खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। गेहूं से लपसी, खीर, सीरा आदि मीठे पदार्थ बनाए जाते हैं। गेहूं के आटे से पूरी, फुलका, रोटी, पराठा आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। गेहूं के आटे से पापड़, कुरड़ाई आदि पदार्थ बनाए जाते हैं, अर्थात बहुत से पदार्थ बनाए जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों के नाम लिखो। विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों के नाम लिखो। खाद्य तेल अर्थात जिन तेल को हम खाते हैं, उन तेलों का नाम हमें यहाँ लिखना है। तो जैसे देखिए, उत्तर है मूँगफली, घमोय, तिल, सरसों आदि तिलहनों की फसलों अथवा नारियल से तेल निकाला जाता है। मूंगफली का तेल, घमोय का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल आदि खाद्य तेलों के नाम हैं। अब तीसरा है, देखिए प्रश्न दूसरे में, समूहों के असंगत खाद्य पदार्थ के चारों ओर इस तरह से गोल बनाना है, वह समूह से असंगत क्यों है, इसका कारण भी लिखना है। हमें करना क्या है, समूह के असंगत खाद्य पदार्थों के चारों ओर गोल बनाना है और वह समूह से असंगत क्यों है, इसका कारण हमें लिखना है। इसके अंतर्गत देखिए, प्रश्न पहला है, इसके अंतर्गत है तिकोरे का अचार, आम, मुरब्बा और आम रस, ये चार शब्द दिए गए हैं। टिकोरे का अचार दिया गया है, आम दिया गया है, मुरब्बा दिया गया है, आमरस दिया गया है। इसका उत्तर होगा, देखो इसका उत्तर होगा, ये टिकोरे का अचार, और इस उत्तर को हमने क्या कर दिया, ऐसे राउंड कर दिया, गोल कर दिया। आम, आम का रस और आमरस, यह उत्तर नहीं होगा, इसमें उत्तर यही है, इसको हम गोल कर दिए। और इसका कारण है देखिए, टिकोरे के अचार का मुख्य अन्य घटक जो है वो टिकोरा है। टिकोरा अर्थात छोटा कच्चा आम है, जबकि आम, आम का मुरब्बा, आम रस का मुख्य अन्य घटक बड़े आकार का आम है। अर्थात ये जो
टिकोरे का अचार है, ये आम का छोटा रूप है, छोटा कच्चा आम है, और ये जो आम है आम का मुरब्बा है और आम रस है, ये जो है मुख्य अन्न घटक बड़े आम का, बड़े आकार का ये क्या है, आम है और उसका घटक है। प्रश्न दूसरा है, देखिए, पुलाव, पराठा, दही भात, बिरयानी, इसमें असंगत शब्द हमें खोजना है, पुलाव, पराठा, दही भात, बिरयानी में, तो इसका उत्तर होगा पराठा। पराठा जो है इसका उत्तर है, और ये उत्तर क्यों है, ये असंगत क्यों है, इसमें देखिए असंगत मतलब ये शब्द अलग क्यों है, अब कारण देखिए, पुलाव, दही भात और बिरयानी जैसे खाद्य पदार्थ चावल से बनाए जाते हैं, जबकि पराठा गेहूं के आटे से बनाया जाता है, इसलिए पराठा शब्द जो है ये असंगत शब्द है। और तीसरा है देखिए, मैसूर पाक, पूरन पोली, थाली पीठ अर्थात नमकीन रोटी कहते हैं, और झुनका भाकर। मैसूर पाक, पूरन पोली, थाली पीट अर्थात नमकीन रोटी या झुनका भाकर, इसमें से उत्तर देखिए असंगत शब्द जो है ये मैसूर पाक जो है ये असंगत है। और ये मैसूर पाक असंगत क्यों है, इसका कारण देखिए, पूरन पोली, थाली पीट, नमकीन रोटी जिसे कहते हैं या झुनका भाकर, पूरन पोली, थाली पीट और झुनका भाकर जैसे खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं, जबकि मैसूर पाक मुख्य रूप से कर्नाटक में बनाया जाता है, इसलिए मैसूर पाक ये जो है असंगत शब्द है, और इसको हमने इस तरह से गोल कर दिया है। पूरन पोली, थाली पीट और झुनका भाकर जैसे खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं, जबकि मैसूर पाक मुख्य रूप से कर्नाटक में बनाया जाता है, इसलिए ये मैसूर पाक जो है ये असंगत शब्द है। हम देखते हैं प्रश्न, अंतिम प्रश्न ई है, देखिए, निम्नलिखित में अनाज, सब्जी तथा फल भाजी कौन सी है, लिखो, इनसे कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इस प्रश्न में हमें करना क्या है कि अनाज सब्जी तथा फल भाजी कौन सी है ये लिखना है, और इनसे कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो पहला इसमें दिया गया है आपको प्रश्न में, पहला है भुट्टा। भुट्टा अर्थात मक्के की हरी बाली, और आप लोग देखते हैं कि बरसात के इस मौसम में भुट्टा जो है मक्के की हरी बाली हर जगह जगह पर लोग इसकी बिक्री करते रहते हैं, शहरों में भी और गांव में भी इसकी फसल अच्छी होती है। तो भुट्टा जो है, भुट्टा अर्थात मक्के की हरी बाल जो है, इसको ये भुट्टा जो है इसको मक्का कहते हैं, और ये अनाज का प्रकार है, और इससे देखिए सब्जी, पकौड़ा, पराठा, उसल, सूप, इसके अलावा इससे देखिए है लावा, मक्के का लावा जिसे पॉपकॉर्न कहते हैं वो भी बनाया जाता है। तो इस भुट्टे से कई पदार्थ बनाए जाते हैं, मक्के का लावा जो है जिसे बोलते हैं हम दाना, ये लावा भी इससे बनाया जाता है, और उस मक्के को भून करके उसका लावा जिसे कहते हैं, दाना जिसे कहते हैं। तो अगला शब्द है देखिए कोहड़ा। कोहड़ा अर्थात काशी फल। कोहड़ा एक फल सब्जी है, और इससे देखिए सब्जी, भरता, कोहरौड़ी, पूड़ी इत्यादि बहुत से खाद्य पदार्थ इससे बनाए जाते हैं। अगला शब्द है देखिए ग्वार फली। ग्वार फली अर्थात गंवार जिसे कहते हैं। ग्वार फली एक सब्जी का प्रकार है, इससे सब्जी बनाते हैं, रायता बनाते हैं इत्यादि पदार्थ, यानी बहुत से पदार्थ बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से
भोजन में विविधता, इस पाठ में दिए गए स्वाध्याय जो है, इन स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर जो है, इस वीडियो के माध्यम से उसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।